chapter wise list of all my videos is available at this point. For DVD, pen drive, please write an email to me. These videos, they do not require internet, they play offline, there is no problem of buffering. And please subscribe to my channel for regular updates. Thank you for your support once again. अभी हम ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये हम अभी अटेम्प्ट करेंगे. इन सारे क्वेश्चंस में ये एक एक्सप्रेशन इस तरह है और फिर उसी का रेसिप्रोकल है वन के नीचे आ रहा है. जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब है वही फिर वन बाय एक्स क्यूब हो रहा है. एट बी क्यूब है वो किसी न किसी फॉर्म में बी क्यूब बन के नीचे आ रहा है. यहाँ देखो एक्स क्यूब है वन बाय एट एक्स क्यूब है. एम माइनस टू होल स्केयर है प्लस वन बाय एम माइनस टू होल स्केयर है. फिर इधर भी वही है, इधर भी उसी टाइप का है. तो ये जो सारे हैं ये एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं, इनको हम टाइप वन कहेंगे. ये वाले क्वेश्चन काफी कॉमनली आते हैं आजकल एग्जाम्स में और ये हमेशा आते ही रहेंगे क्योंकि इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं. लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि इन सबको करने का ढंग एक ही है. तो हम पहले उस ढंग को देख लेते हैं कि वो मेथड है क्या. ये टाइप वन क्वेश्चंस में इस टाइप के एक्सप्रेशन इन्वॉल्व होते हैं, x प्लस वन बाय एक्स. अब ऐसे एक्सप्रेशंस की खासियत क्या होती है कि ये अगर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये कैंसलेशन बहुत सारी होती है. जैसे x और वन बाय एक्स है ये आपस में मल्टीप्लाई होके कैंसलेशन हो जाएगी और ये हट जाएंगे. और ये हटने की वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो उलझन है x की पावर्स की वो इनमें कम होती है. ऐसे क्वेश्चंस को करने का ढंग क्या है कि आप हमेशा कोशिश करो कि इनकी किसी पावर के साथ आप स्टार्ट हो जाओ. जैसे इसको स्केयर करके आप स्टार्ट हो जाओ. मैं आपको ये करके बताता हूं. इसका स्केयर क्या बनेगा, a प्लस बी होल स्केयर वाला फॉर्मूला है, a प्लस बी होल स्केयर वाला, a स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर, ये फॉर्मूला है. तो इसको अप्लाई करूंगा तो ये एक्स स्केयर प्लस टू ए इंटू वन बाय एक्स प्लस वन बाय एक्स होल स्केयर. तो ये ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर वाली फॉर्म में है. इसको मैं लिखूंगा तो क्या बनता है, एक्स स्केयर प्लस ये आपस में कट गए ये टू आ गया प्लस वन बाय एक्स स्केयर. तो यहां मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपके पास एक्स प्लस वन बाय एक्स दिया हुआ है मान लो, तो इसी के बेस पे हम स्केयर का यूज करके एक्स स्केयर प्लस वन बाय एक्स स्केयर की वैल्यू निकाल सकते हैं. भला कैसे, मान लो ये मेरे को पता है कि ये पांच दिया हुआ है तो मैं यहां फाइव स्केयर लिखूंगा विच इज इक्वल टू ये एक्स स्केयर प्लस वन बाय एक्स स्केयर प्लस ये टू इधर आ गया. अब ये टू उधर चला गया तो नेचुरल है ये 25 था, 25 में से दो 23. सो अगर मेरे पास ये एक एक्स प्लस वन बाय एक्स दिया हुआ है, इसको इधर ध्यान से देखो, एक्स प्लस वन बाय एक्स, इससे मैं पहुंच सकता हूं एक्स स्केयर प्लस वन बाय एक्स स्केयर तक. ये इन क्वेश्चंस की जो बेसिक थ्योरी ये है. मान लो मेरे को x प्लस वन बाय एक्स से शुरू होके क्यूब तक पहुंचना है, उसके लिए मैं कैसे करूंगा, ये देखो मैं लिखता हूं इसको x प्लस वन बाय एक्स क्यूब इज इक्वल टू, ये क्यूब वाला फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, यही फॉर्मूला होता है. तो यहां a x बन गया b 1 बाय एक्स बन गया तो इसको मैं लिखूंगा x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स होल क्यूब प्लस 3 x इंटू 1 बाय एक्स एक्स प्लस 1 बाय एक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं. और फिर ये बन गया x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब
प्लस ये x और x कट गए प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाय एक्स। तो बात साफ है कि अब मेरे को अगर इसकी वैल्यू पता है तो मैं वो वैल्यू यहां मान लो ये 5 होती और ये मेरे को पता लगानी है तो मैं इसको एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस ये बन जाएगी 3 इंटू 5। तो ये मैं उधर ले जा लू के इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब। तो मॉरल क्या है स्टोरी का कि x प्लस 1 बाय एक्स पता है तो इससे मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर तक पहुंच सकता हूं, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब तक पहुंच सकता हूं। तो ये जो कन्वर्जन है इसकी वजह से ये वाले क्वेश्चन जो है ये बनते रहते हैं और बनते रहेंगे, इसी का जोड़ तोड़ आपको मिलेगा। थोड़ा और देखना चाहो तो इसको हम स्केयर रूट ऑफ एक्स हो तो स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 बाय स्केयर ये पता है मेरे को तो मैं एक्स प्लस 1 बाय एक्स तक पहुंच सकता हूं क्योंकि मैं वही इसका स्केयरिंग वगैरह करके इस तक पहुंच सकता हूं। तो इसी के बेस पे हम जो क्वेश्चंस हैं वो आज हम अपने करने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। यहां उसने मुझे x दिया हुआ है 5 प्लस 2 स्केयर रूट ऑफ x और मुझे वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या है। अब मेरे को जब ऐसा वाला एक्सप्रेशन मिल जाए तो मेरे को इससे किसका रिलेशन बनना है, स्केयर रूट ऑफ x और x का। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे वाले की स्केयरिंग से शुरू कर दूंगा। ये देखो आप इसको स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 बाय स्केयर रूट ऑफ एक्स इसकी मैं स्केयरिंग कर देता हूं। स्केयरिंग से क्या होएगा कि मेरे पास इसका स्केयर होके अकेला एक्स बच जाएगा, इसका स्केयर होगा तो एक्स बच जाएगा और प्रोडक्ट होगा तो खाली 2 बच जाएगा। यानी कि ये मेरे को एक्स तक एक्स का वैल्यू पता होगा तो मैं इसका वैल्यू निकाल पाऊंगा। सो इसको हम ए प्लस बी होल स्केयर वाले फॉर्मूले से लिखें तो ये बनता है इसका प्लस 2, ये आ गया और उसके बाद ये आ जाता है आपका, ये ए स्केयर प्लस बी वाला फॉर्मूला है, ये एक्स हो गया, ये स्केयर रूट और ये स्केयर रूट कट गए, 2 प्लस ये बन गया 1 बाय एक्स। तो ये स्टोरी बन गई एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2। मेरे को ये चाहिए, इसके लिए अब मैंने ये देखा है इसका मैं स्केयर बना दूंगा तो ये कहानी घूम फिर के इस तक पहुंच जाएगी। यानी कि मेरे को x और 1 बाय एक्स पता होगा तो मैं ये निकाल पाऊंगा। अब x तो मेरे पास है, x तो मेरे पास है वो 5 प्लस 2 स्केयर रूट ऑफ x यहां पे वो दिया हुआ है। 1 बाय एक्स कैसे निकलेगा उसको हम देख लेते हैं। 1 बाय एक्स जो है ये बराबर किसके होगा, 5 प्लस 2 स्केयर रूट ऑफ 6 के। मैंने ये लिख लिया है 5 प्लस 2 स्केयर रूट ऑफ 6 यहां पे। जब ये स्केयर रूट वाले नीचे होते हैं तो इसको रैशनलाइज किया जा सकता है। रैशनलाइजेशन मींस 5 माइनस 2 स्केयर रूट ऑफ x बाय 5 माइनस 2 स्केयर रूट ऑफ x। ये प्लस है तो इसका माइनस बना के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, करने में कोई फर्क नहीं है, कट जाएगा ये कट जाएगा आपस में। अगर यहां पे माइनस होता तो मैं यहां पे प्लस लिखता, यहां पे प्लस लिखता। तो अब इसको क्या करूं, इसको इससे गुना किया, ये बन गया 5 माइनस 2 स्केयर रूट ऑफ 6 और नीचे जो है ये a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो उसका फॉर्मूला जो अगर हम देखेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो इसको मैं लिखूंगा 5 स्केयर माइनस 2 स्केयर रूट ऑफ 6 होल स्केयर, ये बन जाएगा 5 माइनस 2 स्केयर रूट ऑफ 6 बाय 25 माइनस ये 4 छिके 24 हो जाएगा, ये 5 माइनस 2 स्केयर रूट ऑफ 6।
अब 1 बाय एक्स भी है मेरे पास, ये रहा, और x दिए हुआ है, तो अब इसको हम कैसे, बस पुट करना है यहां पे, ये बन जाएगा 5 प्लस 2 स्केयर रूट ऑफ 6 प्लस ये ए एक्स आ गया, ये उसके बाद 2 लिखा हुआ था, ये वाला 2 प्लस, और ये 1 बाय एक्स, वहां पे मैं ये वाली फिगर ले आता हूं, इसको लिखा 5 माइनस 2 स्केयर रूट ऑफ 6, तो अब ये वाला ये इससे उड़ गया, 5 5 10 और 2 12, तो आंसर जो है वो मेरा उसका स्केयर ये है, तो आंसर जो होगा स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 बाय स्केयर रूट ऑफ एक्स वो होगा स्केयर रूट ऑफ 12, जिसको आप अब सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 3 12, तो ये आंसर बनता है। सो पहली चीज तो आप ये पल्ले बांध लो कि अगर ऐसे वाला कोई एक्सप्रेशन हो जिसमें एक्स और फिर उस रेसिप्रोकल हो, तो उसका स्केयर क्यूब किसी तरह जुगाड़ फिट करके आप मतलब इसका हल निकाल सकते हैं, क्योंकि स्केयर क्यूब करने से क्या होगा कि ये आपस में कट होने की इनकी संभावना होती है और रास्ता खुल जाता है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसने मुझे यहां पे दिया हुआ है एक्स स्केयर रूट ऑफ 3 प्लस स्केयर रूट ऑफ 2, और वो कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब का वैल्यू क्या है। अब मेरे को क्यूब चाहिए, अगर मैं इसको ऐसे लिखना लिखूं एक्स प्लस 1 बाय एक्स रेज टू द पावर 3, तो मेरे को ये पता है कि ये कटकुट जाएंगे, और दूसरी बात ये है कि इसका क्यूब और इसका क्यूब मिल जाएगा, जो मेरे को इसके पास ले आने के, इट इज पॉसिबल कि वो मुझे यहां इसके पास ले आएगा, और ये इनके आपस में कट होने की संभावना रहती है, जिससे क्या होगा कि मेरा जो एक्स की पावर्स हैं उनमें ज्यादा उलझन नहीं पड़ेगी। सो इसको शुरू करके हम इसको देखते हैं, ये एक्स क्यूब हो गया प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, ये ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab, ये आ गया इंटू ए प्लस बी, ये आपका जो फॉर्मूला रहता है, तो इसको हम लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, ये एक्स एक्स आपस में कट गए, प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाय एक्स, ये मेरे को चाहिए, ये मुझे मिल जाएगा अगर मेरे को सिर्फ एक चीज इस सम का पता चल जाए। ये सम मैं यहां फिट कर दूंगा और इस सम को मैं राइट साइड पे फिट कर दूंगा, माइनस वगैरह करके मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब एक्स मेरे को दिया हुआ है, 1 बाय एक्स निकालना है, तो रैशनलाइज करने की ही बात है अभी, तो इसको आप लिखो 1 बाय स्केयर रूट ऑफ 3 प्लस स्केयर रूट ऑफ 2, ये क्या है, ये 1 बाय एक्स है, इसकी करें रैशनलाइजेशन, मल्टीप्लाई कर दें स्केयर रूट ऑफ 3 माइनस स्केयर रूट ऑफ 2 बाय स्केयर रूट ऑफ 3 माइनस स्केयर रूट ऑफ 2, वही जो हमने अभी पहले बात की थी, तो ये क्या बनता है, इसको ऊपर कर देंगे, ये आ गया स्केयर रूट ऑफ 3 माइनस स्केयर रूट ऑफ 2, और नीचे क्या आ गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसको ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाली फॉर्म में लिखें, तो ये ऊपर आ जाता है स्केयर रूट ऑफ 3 माइनस स्केयर रूट ऑफ 2, ये अंडर रूट ऑफ 3 का स्केयर 3 हो गया, अंडर रूट ऑफ 2 का स्केयर 2 हो गया, तो ये घूम फिर के बच गया माइनस स्केयर रूट ऑफ 2। सो 1 बाय एक्स ये है, और एक्स मेरे पास ये दिया हुआ है, तो एक्स प्लस 1 बाय एक्स क्या बन जाता है, वो इन दोनों को जोड़ लें आप, प्लस, तो ये जोड़ने के बाद ये गया कट, और ये 2 स्केयर रूट ऑफ 3 जो है वो मेरे पास बच गया है, तो अब ये 2 स्केयर रूट ऑफ 3 को मैं यहां डालूं, पहले इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं,
टू स्केयर रूट ऑफ थ्री क्यूब इज इक्वल टू, ये आंसर वाला पार्ट है इसको मैंने ए एन एस लिख लिया, प्लस थ्री मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वन बाय एक्स, ये क्या है, ये टू स्केयर रूट थ्री है, तो इसको यहां लिख लेते हैं। तो ये क्यूब वाला क्या बन जाएगा, इसको चेक ही कर लो, टू इंटू स्केयर रूट ऑफ थ्री इंटू टू इंटू स्केयर रूट ऑफ थ्री इंटू टू इंटू स्केयर रूट ऑफ थ्री, तो ये एट स्केयर रूट ऑफ थ्री इंटू थ्री, तो ये इसका तीन बन गया, इनका आठ बन गया, तो चौबीस स्केयर रूट ऑफ थ्री। तो ये आंसर ये आ जाएगा 24 स्केयर रूट ऑफ 3, और ये 6 था, इसको इस साइड ले आओ। सो आंसर जो है आपका वो बनता है 24 माइनस 6 18 स्केयर रूट ऑफ 3, इसको आप देख लेंगे। तो ये इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं, बड़ा सिंपल सा तरीका है। अब हम चलें अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है 4 बी स्केयर प्लस 1 बाय बी स्केयर इज 2, ये दे रखा है और इसकी हमें वैल्यू पता लगानी है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले तो ऑब्जर्व करो कि ये वाला जो पार्ट है इसको हम अगर देखें तो ये 2 बी होल स्केयर प्लस 1 बाय बी स्केयर, ये इस फॉर्म में 2 का 2 4 बन जाता है, तो ये, और जो चाहिए वो भी सिमिलर फॉर्म में है, उसको अगर आप गौर से देखो, ऑब्जर्वेशन इज रिक्वायर्ड प्लस 1 बाय बी क्यूब, तो ये भी उसी फॉर्म में आ गया। तो ये मुझे याद दिलाता है कि मैं ऐसे सवाल में कोशिश करूंगा कि मेरे को एक क्यूब क्यूब पता लगाना है, स्केयर दिया हुआ है। सो मैं क्या करता हूं, मैं 2b प्लस 1 बाय बी, जो हालांकि मुझे पता नहीं है अभी, इसके स्केयर से मैं शुरू हो जाता हूं, इससे मैं कोई ना कोई रास्ता खोल पाऊंगा, क्योंकि है खेल इन तीनों का ही, 2b प्लस 1 बाय बी, 2b प्लस 1 बाय बी, इन्हीं का ही खेल है। तो यहां से शुरू हो जाते हैं, ये बन गया आपका ए स्केयर का 4b स्केयर प्लस 2 इंटू 2b इंटू 1 बाय बी, ये 2ab हो गया प्लस 1 बाय बी स्केयर हो गया। सो इसको आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 4b स्केयर, तो ये 1 बाय बी स्केयर मैं इधर लिख रहा हूं, और ये b कट के 4 इधर आ गया। तो इसको आगे करें, ये 4b स्केयर प्लस 1 बाय बी स्केयर, क्योंकि रास्ते निकलते हैं, तो मैंने पहले कहा था कि कुछ ना कुछ हल हो जाएगा। ये जो है ये पार्ट, ये मुझे 2 दिया हुआ है, सो इसको मैं 2 प्लस 4 बराबर 6 लिख सकता हूं। सो मेरे पास 2b प्लस 1 बाय बी, वो आ गया है स्केयर रूट ऑफ 6, स्केयर था तो ये 6 था, तो ये स्केयर रूट ऑफ 6 बन गया। अब मेरे को बढ़ना है क्यूब की तरफ, तो अब मैं इसका क्यूब करता हूं। अब मैं लिखता हूं 2b प्लस 1 बाय बी, इसका क्यूब, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला, तो ये इसका क्यूब हो जाएगा 2 2 4 2 8 8 b क्यूब, प्लस ये इसका क्यूब हो गया 1 बाय बी क्यूब, प्लस 3 ab और 2b प्लस 1 बाय बी, ये आ गया कहानी। और इसको आप लिखें, ये अगर पार्ट है ये तो रिक्वायर्ड है, 8b क्यूब प्लस 1 बाय बी क्यूब ये वाला, इसको हम बड़ा x लिख लेते हैं, यानी कि ये हमें रिक्वायर्ड है, इसको हम बड़ा x फॉर्म में लिख लेते हैं, और प्लस ये b काट दीजिए, ये 6 हो गया इंटू 2b प्लस 1 बाय बी। मसला बहुत ही आसान है, ये मेरे पास अवेलेबल है, मैंने 2 मिनट पहले निकाला है, 2b प्लस 1 बाय बी वो स्केयर रूट ऑफ 6, तो मैं ये और ये इनको ऊपर लिख रहा हूं, 2b प्लस 1 बाय बी स्केयर रूट ऑफ 6 है, तो इसको आप लिखेंगे स्केयर रूट ऑफ 6 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू, ये मेरा रिक्वायर्ड है, प्लस 6 इंटू, ये वाला पार्ट दोबारा गौर से देख लें, स्केयर रूट ऑफ 6।
ये स्केयर रूट ऑफ सिक्स का क्यूब क्या बनेगा, स्केयर रूट ऑफ सिक्स इंटू स्केयर रूट ऑफ सिक्स इंटू स्केयर रूट ऑफ सिक्स, तो ये बन जाता है, ये छह रह जाएगा। सो ये स्केयर रूट ऑफ सिक्स, सिक्स स्केयर रूट ऑफ सिक्स, तो ये वाला पार्ट मैं लिखूंगा सिक्स स्केयर रूट ऑफ सिक्स इज इक्वल टू, ये एक्स वाला आ गया मेरे पास जो मेरे को चाहिए, प्लस सिक्स के रूट ऑफ सिक्स, तो ये देखें ये कट जाता है, तो एक्स जो आंसर है वो जीरो है। सो इस तरह हमने इस आंसर को निकाल लिया है। अब हम अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें उसने मुझे ए बाय बी प्लस बी बाय ए इक्वल टू वन दे रखा है और इनके क्यूब का जो सम है वो मेरे को चाहिए। सो इसमें हम ये करते हैं कि पहले इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। ये सिंप्लीफाई कर लेना सही है क्योंकि ये बड़ा टेढ़ा सा एक्सप्रेशन है, कोई हमारा ये रास्ता अगर नहीं बना हम उसको छोड़ के कोई और तरीका इख्तियार करेंगे, तो एग्जाम में भी यही किया जाता है। सो यहां पे क्या करें, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये ए बी आपका दोनों का एलसीएम आ गया और ये ए ऊपर चला गया ए स्केयर प्लस, ये बी ऊपर चला गया ये बी स्केयर हो गया और ये बराबर हो गया वन क्योंकि ये बराबर वन था, विच इंप्लाइज ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू, ये ए बी उधर चला गया, तो इसको मैं अपने रिकॉर्ड के लिए रख लेता हूं, ये मेरे काम आ सकता है। अब मसला है इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अब ए की फॉर्मूला है मेरे पास ए प्लस बी होल क्यूब वाला, इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या अवेलेबल हो जाता है। सो ए प्लस बी होल क्यूब बनेगा वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जल्दी से लिख देता हूं, प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, ये आ गया मेरे पास। और ये इस पार्ट को मैं एक्स लिख देता हूं क्योंकि ये मेरे को चाहिए, इसको लिख दिया एक्स प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। अब मैं ये वाला पार्ट उधर ले जाता हूं, अब ये एक्स जो है ये आ जाएगा मेरे पास एक साइड पे, एक्स इज इक्वल टू इसमें से वो माइनस कर रहा हूं ए प्लस बी होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, तो इसमें अब मैं ये कर सकता हूं ए प्लस बी कॉमन निकाल लूं, ये बड़ा ब्रैकेट लगा लिया, ए प्लस बी कॉमन निकालने से निकल गई एक पावर टू की रह गई, तो ये थ्री था माइनस थ्री ए बी, ये बराबर हो जाता है ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय, इसको खोल लेते हैं, ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर माइनस थ्री ए बी। सो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये ए प्लस बी ऐसे ही लिख लेता हूं, ए प्लस बी और ये क्या बनेगा ए स्केयर, ये टू ए बी और माइनस थ्री ए बी, तो ये ए के बी कट जाएगा, ए के बी रह जाएगा। सो ये बनता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी, यही बना, ये माइनस हो गया, ये दोनों का सम था। ओके अब मैं अपनी जहां पे वन छोड़ा था उसको देखूं, ये था, ये कहता है कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर ए बी के बराबर है, तो अगर वो ए बी के बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गए, तो ये कट गए, कट के जीरो बच गया, माइनस हो गए जीरो बच गया, और जीरो को इससे किया गुना तो वो जीरो आ गया, तो ये मेरा आंसर क्या है, एक्स इज इक्वल टू जीरो इज द आंसर। तो चलिए अभी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ये है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि ये चारों का प्रोडक्ट, ये एक्सप्रेशन ये एक्सप्रेशन ये एक्सप्रेशन और इनका प्रोडक्ट क्या है वो हमें बताना है। हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कुछ ना कुछ रिलेशन बन जाएगा। ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक एक्सप्रेशन बन जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये बन गया एक एक्सप्रेशन। अब ये दोनों मेरे पास एक में आ गए, अब ये वाले दो की बात है, इनको देखो तो इसमें ये एक्स स्केयर प्लस वन बाय एक्स स्केयर इधर है और वही चीज यहां पे है, तो ये ए माइनस बी
इंटू ए प्लस बी की फॉर्म इख्तियार कर रहा है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, प्लस वन बाय एक्स स्केयर इसका स्केयर माइनस वन का स्केयर। सो ये बन जाता है एक्स स्केयर माइनस, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा एंड तक हमारे पास, और यहां पे ये बन गया एक्स रेज टू दी पावर फोर, क्योंकि ये ए प्लस बी का स्केयर बन रहा है, इसका स्केयर चार हो गया, प्लस टू ए बी प्लस ये जो इसका स्केयर एक्स रेज टू दी पावर फोर हो गया और माइनस वन, ये वन का स्केयर वन आ गया, इज इक्वल टू ये है एक्स टू दी पावर फोर, ये टू कट गया, प्लस वन बाय एक्स टू दी पावर फोर माइनस वन। ये बस अब अल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं है इसमें, ये आ गया और ये इसको मैं लिख सकता हूं एक्स फोर प्लस वन बाय एक्स फोर, ये टू माइनस वन का वन बन गया। अब ये इनको आपस में गुना गुना करके निकालेंगे, काफी कट जाएंगी चीजें, ये एक्स स्केयर और एक्स फोर, ये एक्स सिक्स बन गया, इधर किया फिर इसको इधर कर लो, ये करोगे तो एक एक्स स्केयर कट जाएगा, तो प्लस वन बाय एक्स स्केयर, ये एक्स स्केयर एक्स फोर कट गए, और ये इधर करोगे तो प्लस एक्स स्केयर। अब इनको भिड़ा दें आपस में, ये माइनस एक्स स्केयर, और इसको इधर करेंगे ये माइनस वन बाय एक्स सिक्स, ये चार और दो पावर्स ऐड हो गई, और ये उधर किया माइनस वन बाय एक्स स्केयर, ये उधर लास्ट वन से ये बन गया। अब काफी चीजें कट गई हैं, ये इधर और ये इधर, ये इधर और ये इधर, जो बचा आपके पास ये एक तो एक्स रेज टू द पावर सिक्स बच गया और एक माइनस वन बाय एक्स रेज टू दी पावर सिक्स। सो ये इसका हल है। चैप्टर वाइज लिस्ट ऑफ ऑल माई वीडियोज इज अवेलेबल एट दिस पॉइंट। फॉर डीवीडी पेन ड्राइव प्लीज राइट एन ईमेल टू मी। दीज वीडियोज दे डू नॉट रिक्वायर इंटरनेट, दे प्ले ऑफलाइन, देर इज नो प्रॉब्लम ऑफ बफरिंग। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू for your support once again.